हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टाइम विद जीआरटी। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर फर्स्ट। सो लेट स्टार्ट आवर वीडियो। तो इस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। इस चैप्टर के ऑथर हैं अल्फोंस ड्यूडेट। इनका जन्म 1840 में हुआ था। अल्फोंस एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे और वह शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। इनकी मृत्यु 1897 में हो गई थी। तो यह चैप्टर फ्रेंको और प्रूशिया वॉर के टाइम की है, जो कि 1870 और 1871 के मिड में हुआ था। और जो प्रूशिया है उसमें जर्मन, पोलैंड और कुछ ऑस्ट्रिया के पार्ट्स आते हैं। और प्रूशिया के लीडर थे बिस्मार्क। उन्होंने फ्रांस को इस वॉर में हरा दिया था, जिसके कारण जो फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट थे एल्सेस और लॉरेन, ये दोनों प्रूशिया के अंडर चले गए। और अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वहाँ रहने वाले लोगों पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इस चैप्टर के हीरो का नाम है फ्रांस। जो फ्रांस है वो इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर भी हैं। तो फ्रांस कहते हैं कि वो स्कूल के लिए लेट हो गए थे और वो स्कूल पहुँचने में ज़्यादा लेट ना हो इसलिए वो काफ़ी तेज चल रहे थे और वो अंदर ही अंदर से बहुत ज़्यादा डर भी रहे थे। वो इसलिए डर रहे थे क्योंकि उनके टीचर एम हैमिल उनसे और बाकी बच्चों से पार्टिसिपल पर सवाल पूछने वाले थे और उन्हें पार्टिसिपल के बारे में एक लेटर तक नहीं आता था। तो अब फ्रांस ने थोड़ी देर के लिए सोचा कि वह स्कूल से बंक मार लें। तो फ्रांस कहते हैं कि उन्हें स्कूल जाने से बेहतर स्कूल से बाहर ही कहीं दिन बिताना सही लग रहा था, क्योंकि उस दिन का जो मौसम था बहुत वार्म और ब्राइट था और चिड़िया चहचहा रही थी। फिर फ्रांस कहते हैं कि किसी आरामिल मतलब सॉमिल जहाँ पे लकड़ियाँ कटती हैं, सॉमिल के पीछे एक खुला मैदान था जहाँ पे प्रूशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रही थी। ड्रिलिंग का मतलब है परेड। फ्रांस को यह सारी बाहर की चीज़ें पार्टिसिपल्स के रूल के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी, लेकिन फ्रांस अपने मन को कंट्रोल करना बहुत अच्छे से जानते थे। तो उन्होंने अपने मन को कंट्रोल किया कि ये सारी जो बातें वो जो सोच रहे थे वो सब गलत हैं, तो वो जल्दी से स्कूल की ओर चल पड़े। जब फ्रांस टाउन हॉल के पास से गुजरे तब बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। बुलेटिन बोर्ड को हम नोटिस बोर्ड भी कह सकते हैं, जिसमें फ्रांस बताते हैं कि पिछले 2 ईयर्स से उनके देश की सारी बुरी खबरें वहीं से आ रही थी, जैसे द लॉस्ट बैटल, बैटल में हार जाना, द ड्राफ्ट मतलब सूखा पड़ जाना, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स मतलब कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर्स। लेकिन फ्रांस ने बिना रुके सोचा कि अब क्या बात हो सकती है। फिर जब फ्रांस तेज़ी से जाते हुए उस ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार के पास से गुजरे जो कि अपने चेलों के साथ समाचार पढ़ रहा था, वह फ्रांस के पीछे से बोला, बब इतनी तेज़ी से मत जाओ, तुम स्कूल काफ़ी टाइम से पहुंच जाओगे। फ्रांस को लगा कि वह उनका मजाक उड़ा रहा था और वह हाँफते हुए एम हैमिल के छोटे से गार्डन के पीछे पहुंचे। तो ये था इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट के लिए थोड़ा वेट करिए। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।